अल्मदिल्ला वसलासलम रसोल्लह वही वबी व मनसारुदा आज की मजलिस में इंशाल्लाह दो तीन बातें अपने ईमान को बढ़ाने के ताल्लुक से इससे पहले भी बातें हुई हैं कि हमें रोज़ाना इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए सो के उठने के बाद भी या सोने के टाइम भी कि आज पूरे दिन में मैंने कौन सा ऐसा अमल किया जिससे ईमान बढ़ा आज के दिन मेरा ईमान बढ़ा या घटा क्योंकि ईमान ही वो दौलत है जिसकी बुनियाद पर कयामत के दिन एक बंदे को निजात मिलेगी और ये अगर नहीं है तो एक बंदा कयामत के दिन फेल हो जाएगा तो इसलिए हमें उन चीज़ों को अपनाना चाहिए जिससे हर दिन ईमान का लेवल बढ़े क्योंकि ईमान के बगैर निजात मुमकिन नहीं अल्लाह ने कुरान में कई जगहों पे इसका जिक्र किया है और दुनिया में गलबा और आखिरत में निजात ईमान की बुनियाद पर है इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा ना वला तहनु वला तहजनु व अन तुम इनकुन مؤمنين बहुत साफ आयत है कि तुम हिम्मत मत हारो और गम मत करो तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो गलबा दुनिया में ईमान की बुनियाद पर है ईमान शर्त है और वो ईमान जिसमें किसी तरह की मिलावट ना हो तो इसलिए हमेशा अपने ईमान को चेक करते रहना चाहिए इससे पहले दो तीन बातें मैंने बताई थी कि अपने ईमान को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए एक दो बातें और आज के दर्श में एक चीज है जिससे ईमान बढ़ता है कि जब भी हालात हमारे बिगड़े हमारी जिंदगी में या समाजी हालात या हमारी इनफ़रादी ज़िंदगी में मुसीबतें परेशानियाँ बीमारियाँ या बहुत सारे फाइनेंशली प्रॉब्लम या बहुत सारे मसाइल आते हैं ज़िंदगी में उन मसाइल में एक बंदा जब दीन पर जमा रहता है टिका रहता है सब्र करता है तो अल्लाह उसके ईमान का लेवल बढ़ा देता है ईमान बढ़ जाता है उसका और स्ट्रांग हो जाता है कितने लोग आप देखेंगे कि मसाइल आए ना थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गया जॉब नहीं लग रही है कुछ दिनों तक बहुत कई इंटरव्यू दिया फेल हो गया नहीं हो रहा कई कई, कई महीने बैठने पड़े या कभी कभी लॉस हो गया या कभी बीमारी आ गई बहुत इलाज करा करा के थक गया नहीं ठीक हो रहा तो ऐसे हालात या कभी कभी जो है समाजी हालात बिगड़ जाते हैं सियासी हालात बिगड़ जाते हैं हो जाता है तो आदमी ऐसे हालात में वो बदजन हो जाता है बदगुमान कभी कभी आदमी दीन से फिर जाता है कितने लोग दाढ़ी निकाल दिया पूछो आप भाई क्या हो गया बोले हालात खराब हो गए थोड़ा हालात बिगड़ गए ना इसलिए मैं ऐसा हो गया ये आदमी फेल हो गया अल्लाह के इसका ईमान गिर गया घट गया ईमान इतना कमजोर हो चुका है इसका कि मतलब थोड़ी परेशानी इसका ईमान इतना कमजोर है कि परेशानी ने इसके ईमान को बहा के लेके चला गया इतना कमजोर कि परेशानी ने ईमान को बहा ले गया जो यानी परेशानी का एक झोंका इसका ईमान खत्म तो आज बहुत सारे लोग ईमान घटते 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 इतना कमजोर हो जाता है ना कि थोड़े से मसाइल वो झेल नहीं पाता है कितने लोग दूसरे धर्म में चले कितनी लड़कियां गैर मुस्लिम से शादी कर लेते हैं क्यों वो ईमान का जो लेव ईमान जो है ना वो उसके दिल में इतना कमजोर हो चुका है कि कोई अहमियत नहीं रह गई खत्म हो गया वो तो इसलिए दुनिया के अंदर जो मसाइल आते हैं चाहे हमारी अपनी इनफरादी जिंदगी में चाहे समाजी जिंदगी में सियासी हालात उसमें एक बंदा दीन पर जमा रहे उसका ईमान इतना स्ट्रांग अल्लाह कर देता है इसलिए आप देखें अल्लाह ने सूर्य एजाब में जो गजब एजाब का जिक्र किया है कि जब कौमों ने घेर लिया सहाबा को मदीना को पूरा घेर लिया चारों तरफ से मदीना गिर गया उस वक्त की सारी दुश्मन ताकतें मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा हो गई पूरा मदीना गिरा हुआ है आप गौर करें पढ़े उस वक्त अल्लाह ने सहाबा की जो तारीफ किया ना ना वाद हम अल्लाई मसलीमा सामने दुश्मनों को देख करके और मदीने में घिरे हालात में सहाबा हैं, लेकिन उनका ईमान और बढ़ गया दुश्मन को देख करके और तस्लीम यानी फर्मा बरदारी का जज्बा बढ़ गया कैसे ईमान बढ़ गया सामने दुश्मन सारा मदीना गिरा हुआ ईमान कैसे बढ़ गया आज हम क्या क्या बोलते रहते हैं ऐसा हो गया ये हालात वो हालात ये अपना गौर नहीं करते बाहर के हालात का सुधार अपने अमल के सुधार पर है अमल जब खराब होते हैं हालात खराब होते अल्लाह का फैसला होता है इसको याद रखें सहाबा का ईमान क्यों बढ़ा उस मुसीबत में सहाबा का ईमान क्यों बढ़ा क्योंकि उनको यकीन था कि जो मुसीबत आई है जो परेशानी हमारे ऊपर आई है यह अल्लाह ने पहले से तय किया था यह अल्लाह का फैसला पहले से था वो नबुलवन हम तुमको आजमाएंगे चेक करेंगे अल्लाह ने पहले से कह दिया तुमको आजमाएंगे खौफ के जरिए और मुख्तलिफ तरीकों से जब अल्लाह का वादा पहले से है कि दुनिया में जो आया है उसकी आजमाइश होगी तो ये जो आजमाइश है ये अल्लाह का वादा पहले से था इसलिए आया है तो काहे को बिखरने का काहे को टूटने का पहले से वादा था और जम गए जब जमे रहे अल्लाह के वादे पर यकीन रहा ईमान बढ़ गया आज हमको अल्लाह के वादों पर यकीन नहीं इसलिए ये ईमान बढ़ाने का एक जरिया है मेरे भाइयों हमारी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां आए हर तरह की परेशानी में दीन पे जमे रहना ईमान बढ़ता है अल्लाह ईमान इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है ना इतना मजबूत हो जाता है कि फिर वो हालात को झेल लेता है वो बाहर के हालात उसके अंदर के सुकून को छीन नहीं पाता है आप सहाबा को देखें सहाबा क्यों इतने सारे हालात में भी सुकून थे कभी आप देखें बहुत फर्स्टेशन में आ गए नबी फर्स्टेशन में आ कभी नहीं आपको दिखाई देगा क्यों अंदर इतना मजबूत था ईमान चट्टान की तरह था ये मामला था आज हम अंदर से खोखले हो चुके ईमान इतना कमजोर है ना बाहर के हालात अंदर के ईमान को डगमगा देता है थोड़े से कुछ हो गए आदमी सौदा कर लेता है ईमान बेच देता है ईमान तो को मजबूत करने का एक बड़ा जरिया कि हालात चाहे कैसे बिगड़ जाएं अल्लाह के वादे पे यकीन हो कि ये जो हालात बिगड़े हैं हो सकता है हमारे अमाल के बिगाड़ने से हो और ये वादा अल्लाह का पहले से था इसलिए आया है तो और दीन पे जमे रहने का तो जब आदमी दीन पे जमता है अल्लाह ईमान का लेवल बढ़ाता है तो ये बहुत अहम नसीहत है और इसलिए हमें भी इस पर अमल करना चाहिए कभी कभी हो सकता है बहुत सारे लोग आते हैं बेचारे यानी जॉब के सिलसिले में कभी रिश्ते के सिलसिले में कई कई महीने साल साल निकल जाते हैं नौकरी नहीं जॉब नहीं तो ऐसा लगता है कि नमाजी भी हो दीनदार भी हों सब कुछ है फिर हालात मेरे सुधर नहीं रहे अल्लाह की आजमाइश है और इसमें जमे रहने का जमे रहने का मजबूत चट्टान की तरह अल्लाह ये देखना चाहता है ये मेरा बंदा खोखला अंदर से है या मजबूत है ईमान का दावा इसका है लेकिन ईमान मजबूत है या खोखला है या अल्लाह चेक करता है कैसे चेक करता है हालात बदल के एक इंसान के ईमान का इम्तिहान होता है परेशानियों में ये परेशानी में टूटता है या चट्टान की तरह खड़ा रहता है खड़े रहें अल्लाह ईमान को और मजबूत कर देता है अल्लाह ताला हम सब लोगों को जो है अपने ईमान को बढ़ाने की हर वक्त फिक्र करने की तौफीक दे और उन चीजों को करने की तौफीक दे अल्लाह ताला जिससे ईमान बढ़ता है और उन चीजों से बचने की तोफीक अल्लाह ईमान घटता है किताब और की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकन